हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आई ए एस अपॉइंटमेंट बाई सिलेक्शन नाम की परीक्षा ली गई थी एच पी एस सी के द्वारा हम लोग एच सी एस एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से देखेंगे और बाकी छोड़ देंगे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड एल पी जी कनेक्शन भारत सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एल की कनेक्शन जो प्रदान की जाती है वो किनको की जाती है सो गरीबी रेखा से नीचे की सभी ग्रामीण महिलाओं को दी जाती है ऑल रूरल वीमेंस बिलो द पॉवर्टी लाइन क्वेश्चन नंबर टू जो है द गलवान रिवर इन लद्दाख इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लद्दाख में गलवान नदी सियोक नदी की ट्रिब्यूटरी है यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग अपने एच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और यह जो क्वेश्चन पेपर है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही ली गई है क्वेश्चन नंबर थ्री द रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज संयुक्त रक्षा स्टाफ सी के हाल ही में नियुक्ति प्रथम प्रमुख हैं जनरल विपिन रावत हैं इसके फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर फोर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस द फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन केरला में नॉन गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी पहली बार केरला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव द प्रोमिनेंट हरप्पन साइट इन हरियाणा इंक्लूड्स हरियाणा में जो इंदस वैली सिविलाइजेशन का साइट पूछा जा रहा उसके बारे में पूछा जा रहा तो इसमें दो और तीन है कुरुक्षेत्र नहीं है राखी गढ़ी और बनावली है बनावली फतेहाबाद और राखी गढ़ी जो है राखी गढ़ी हिसार में है और बनावली फतेहाबाद में है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दो और तीन जो है हरप्पन साइट है हरियाणा में क्वेश्चन नंबर सिक्स इन टर्म्स ऑफ पैरिटी द थ्री बिगेस्ट इकोनॉमिक ऑफ़ द वर्ल्ड इन दैट ऑर्डर आर क्रह शक्ति समतुल्यता के अनुसार विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्रम निम्न प्रकार है सबसे बड़ी चाइ जो अर्थव्यवस्था है जिसको पी कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी तो सबसे बड़ी जो है परचेसिंग पावर पैरिटी में वो चाइना है फिर यूएसए है उसके बाद थर्ड नंबर पर इंडिया है यह जी डी पी नहीं पूछा जा रहा यह ट्रिपल पी के बारे में पूछा जा रहा ओके तो यहां पर यह ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन नंबर सेवन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम तीन चीज पर एस बेस्ड है और अभी जो हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी का एस है जिसमें इंडिया का रैंक एक सौ इकतीस हो गया है सो so ये भी ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन नंबर एट इंडियन स्टेट करेक्टली अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉमिनल जी इन सबसे ज़्यादा इसको हमें हम डिक्रीजिंग में करना है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु कर्नाटका फिर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन द थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ़ फूड ग्रेन इन द कंट्री आर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश फिर पंजाब फूड ग्रेन का मतलब कि चावल गेहूं और भी जो भी खाने वाले हैं मोटे अनाज वो सब फूड ग्रेन्स में आ जाएंगे शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन द पर कैपिटा नेट एवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन पर डे इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली फोर हंड्रेड ग्राम्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवेन आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट सबमिट इंडियाज इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर अनाउंस्ड दिस में इंक्लूड इसमें वन टू थ्री जो स्टेटमेंट है ये इंक्लूड है टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जी डी पी बाई थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी बिलो द टू थाउजेंड फाइव लेवल और दूसरा स्टेटमेंट में टू इंक्रीज द सेयर ऑफ नन फोशीस फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाई फोर्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी और थर्ड जो ऑप्शन है इसका जो स्टेटमेंट है टू इन्हेंस फॉरेस्ट कोवर टू एब्जर्व टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था दो हजार पंद्रह में उसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंट कंट्रीब्यूशन आया था और हरेक कंट्री को यह करना था तो इंडिया ने ये जो तीन हैं इन्होंने मतलब कि एक तरह का ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने वादा किया है कि हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द टोटल नंबर ऑफ बायो रिजर्व इन इंडिया सो टोटल बायो स्पेयर रिजर्व जो हैं अट्ठारह हैं और इन अठारह बायो स्पेयर रिजर्व में बारह जो हैं वो एम ए बी यानी कि मै मैन एंड बायो स्पेयर में आते हैं जो कि वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनली वो रिकोगनाइज हैं बारह उसमें से अठारह में से, से बारह सो हमारे पास अभी बारह अठारह बायो, बायो स्पेयर हैं जिसमें से कि बारह मैप के साइट्स हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी इज बेस्ड ऑन जेनेवा में है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द ब्रेटोन वुड इंस्टीट्यूट इंक्लूड आई एंड वर्ल्ड बैंक यह दोनों यहीं से निकला हुआ है आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द बंडुंग कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन फिफ्टी वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडोनेशिया म्यांमार श्रीलंका इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्शन बी करेक्ट आंसर द बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑपरेशन बिम्स्टेक कंप्राइज शो बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका एंड थाईलैंड का जो है कॉम्बिनेशन है वो अपना बिम्स्टेक शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर द मेन फीचर ऑफ आधार आर इसमें हो जाएगा पूर्व सहमति तीनों जो इसमें चारों जो हैं स्टेटमेंट वो सही हैं कि ट्वेल्व डिजिट यूनिक आइडेंटिटी होती हैं वेरीफिएबल आइडेंटिटी होती है शो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन फीचर ऑफ़ आधार में क्वेश्चन नंबर एटीन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स द पेटेंट लॉ इन इंडिया वॉज फर्दर एमेंड टू री एस्टोर प्राइमेसी ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन द मेन बी टी क्रॉप इन इंडिया आर कॉटन ही है एक ही है वो कॉटन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बेसिक आइडिया बिहाइंड फ्लाइंग मशीन इज बेस्ड ऑन बर्नॉलिस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है फ्लाइंग मशीन ऑप्शन ई करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अनलाइक अ कंटिनेंटल कंट्री द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर अ स्मॉल आइलैंड नेशन विल बी राइज इन सी लेवल जो समुन्द्र के स्तर में वृद्धि होगी वो काफी इनके लिए मतलब कि खतरनाक है स्मॉल जो आइलैंड नेशन है क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द केमिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज इसे नहीं करने की जरूरत है वेंकट कृष्ण क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गवर्नमेंट रिसेंटली कैप्ड कोविड टेस्ट फीस फॉर ऑल लैब्स फॉर्मेशन इनसफिशियंट टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री को डिटेल्स में एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द राइज देयर वॉज पब्लिक एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग रोड एक्सीडेंट फैसिलिटीज यह भी हम लोगों के काम के लिए नहीं है क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्टेट उन टैक्स रिवेन्यू कंजिस्ट ऑफ फ्यू टैक्सेस प्लीज कंसीडर फ्लोइंग टैक्स और, और डिविडेंड सो इसमें एक दो और चार जो है वो होंगे एक्साइज टैक्स ऑन लीकर मोटर व्हीकल टैक्स एंड लैंड रिवेन्यू टैक्स यह जो है राज्यों के अपने कर राजस्व में शामिल हैं तो ये तीन हैं तीसरा जो है डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू ये नहीं है सो ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द ट्वेंटी थर्टी एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एडॉप्टेड एट इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट इन न्यूयॉर्क इन टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो हुआ था और यह लागू जो है एक जनवरी दो हज़ार सोलह से लागू है और इकत्तीस दिसंबर दो हज़ार तीस तक चलेगा यानी कि पंद्रह साल का जो अपना एस डी जी है जिसमें कि सत्रह गोल्स हैं और वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन टारगेट्स हैं so, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन भी नहीं है हम लोगों के लिए यस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अकॉर्डिंग टू द स्टेट गजेटियर एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा टेरिटरी देन द पार्ट ऑफ पंजाब वेयर ये पांच जो जिले थे हिसार रोहतक गुरुगांव यानी कि गुरुग्राम अम्बाला और करनाल ये दो दो चार पाँच यस ये पाँच जो हैं कह रहा कि स्टेट गजेटियर के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता के समय हरियाणा क्षेत्र जो कि पंजाब का हिस्सा था के जिले के नाम निम्नलिखित थे तो उस समय पांच जिले थे जो कि पंजाब के थे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है और जब हमारा हरियाणा जब डिवाइड हो रहा था डिवाइड हुआ था पंजाब से फर्स्ट नवंबर 1966 को तब सात जिलों को काटकर बना था हरियाणा लेकिन जब आज़ाद हो रहे थे हम लोग उन्नीस में पांच जिले थे हरियाणा के हिसार रोहतक गुरुगाव अम्बाला और करनाल क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन 1948 आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्सू दिक्कथ डिस्ट्रिक्ट इन द हरियाणा टेरिटरी वाज क्रिएटेड एंड नेम्ड ये महेंद्रगढ़ हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन ऑफ हरियाणा आर रिस्पेक्टिवली बाईस जिले और छह डिवीजन शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर द सेकेंड मिनिस्टर ऑफ हरियाणा राव बीरेंद्र सिंह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आर्टिकल वन हंड्रेड फिफ्टी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट सेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल टू हंड्रेड सिक्सटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट एवरी हाई कोर्ट सेल्फ कंजिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेज एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिम टू डिम इट नेसेसरी टू अपॉइंट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देख लीजिए हम लोगों के लिए नहीं है हाँ क्वेश्चन नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है विच ऑफ़ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट इज एवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स यानी कि जो इंडियन के लिए केवल एवेलेबल है आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर जो 32 तक हैं वो छह फंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं जिसमें कि केवल और केवल इंडियन को एवेलेबल है पंद्रह सोलह उन्नीस उनतीस और तीस पाँच आर्टिकल याद करने का काफ़ी आसान सा तरीका है वो हैं पंद्रह सोलह उन्नीस पंद्रह सोलह उन्नीस फिर आता है हमारा उनतीस और तीस पंद्रह और सोलह जो है यह राइट टू इक्वालिटी में आ जाएगा उन्नीस जो है वो राइट टू फ्रीडम में आ जाएगा और उनतीस और तीस जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आ जाएगा सो आर्टिकल सोलह जो है यह केवल और केवल इंडियन को मिला हुआ है और हमने देख लिया कि हमें पांच आर्टिकल्स मिले हुए हैं जो कि केवल इंडियंस को मिले हैं और बाकी जो है और सब और फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है सो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स द स्टेट हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्चर ऑफ दल लोकल और अदर ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर फोर्टी बाय द पावर कंफर्म्ड अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी ये पंचायती राज का आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द पावर ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द इलेवेंथ शिड्यूल सो सोशल फॉरेस्ट्री एंड फॉर्म फॉरेस्ट्री फिशरी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कि जो इलेवेंथ शेड्यूल है उसमें ट्वेंटी नाइन हमने सब्जेक्ट को ऐड किया है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आर्टिकल थर्टी एट वन के बारे में पूछा गया है सो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हमें न्याय चाहिए ये इसमें कहा गया है डी का जो था क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इफ जज डाइज आफ्टर राइटिंग हिज जजमेंट बट बिफोर डिलीवरिंग इट सो निर्णय को केवल एक राय माना जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हम लोगों के लिए नहीं है क्वेश्चन नंबर यस फोर्टी फोर जो है अंडर आर्टिकल थर्टी टू और रीट पेटिशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अ पर्सन हु इज हिमसेल्फ द सफर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ अ पर्सन एग्रीब्ड कैन फिल अ रीड पेटिशन रीट कॉर्पस जो है वो भर सकता है आर्टिकल थर्टी टू के अकॉर्डिंग हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का पेटिशन लेकर और आर्टिकल टू टू सिक्स दो सौ छब्बीस के अकॉर्डिंग हम लोग हाईकोर्ट में जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ये भी हमारे लिए नहीं है प्रारंभिक ये भी नहीं है क्वेश्चन नंबर इंडियन एविडेंस एक्ट को करने की जरूरत नहीं है ये सब नहीं है बस हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं हरियाणा म्यूनिसपैलिटी एक्ट वाला किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड ये भी नहीं है तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट्स हो सकते इसलिए मैंने शेयर कर दिया आप क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन टेन ऑफ द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फाइव विच केम इनटू टू फोर्स इट वंस द एक्ट सेल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सोलह नवंबर उन्नीस सौ इकहत्तर हो जाएगा हरियाणा डेवलपमेंट रेगुलेशन अर्बन एरिया फाइव इस तरह के क्वेश्चन एस सी एस में आते रहते हैं ये सारा क्वेश्चन है इसमें और तो मुझे नहीं लग रहा कि यह सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट्स है तो मैं एक बार सारे क्वेश्चन को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ बाय द वे आपके दिमाग में आए तो उसको कर लीजिएगा नहीं तो फिर जो अभी तक हम लोगों ने किया वो मुझे इंपॉर्टेंट्स लगा जो ऊपर में थे क्वेश्चंस यस yes, जैसे द पावर टू एक्ट ऑन ऑफेंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 इज इंट्रस्टेड टू सो यह ओनली वन एंड टू को इंट्रस्ट कर रहा है यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर उसी तरह से अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर में जो आया था द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इशू डायरेक्शन टू केवल वन यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही इसको कर सकता है उसी तरह से अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सिक्स जो आया था उसमें क्या कहा गया है सो वन टू थ्री तीनों के बारे में कहा गया है इसको देख लीजिए वार एंड फेमाइन कब ये क्या क्वेश्चन कर रहा है आप इसको देख लीजिए यस इसेंशियल कॉमेडिटीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन द सिलेक्शन ऑफ कमिश्नर एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ द हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन टू बी कैरिड आउट बाई राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है इसे किया जा सकता है हरियाणा पुलिस एक्ट टू थाउजेंड सात के बारे में कहा गया है ये इसेंशियल मेंटेनेंस एक्ट 1974 सेवेंटी फोर में जो आया था हरियाणा का उसके बारे में है क्योंकि कोविड के चलते ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा मतलब की सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी टू आप देख पा रहे होंगे एट्टी थ्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ट्वेंट टू थाउजेंड के बारे में है क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव फॉरेस्ट एंड फोरकास्ट एंड अलर्ट मॉनिटरिंग ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में है देख सकते हैं आप इसको क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन एट्टी एट एट्टी नाइन नाइन्टी ये सब एच एग्ज़ाम के लिए नहीं है सो so बस मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एजी ये भी नहीं है ये भी नहीं है हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन हंड्रेड तो ये अपने हंड्रेड क्वेश्चन रहे जिसमें से कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था उसका हम लोगों ने डिस्कस किया सो थैंक्स एंड टेक केयर